नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इससे पहले महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाने की बहुत कोशिश की। दरअसल एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने यह दावा किया है कि वायरल ऑडियो में चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की आवाज है, जिसमें वो बीजेपी विधायक ललन पासवान से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लालू यादव जेल से एनडीए विधायक को फोन कर विधानसभा स्पीकर के चुनाव में मदद करने को कह रहे हैं। इसके बदले वो विधायक ललन पासवान को मंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। वायरल ऑडियो में वह पासवान से कह रहे हैं कि वह एनडीए सरकार गिरा देंगे और उन्हें मंत्री बनाएंगे। सुशील मोदी ने इस ऑडियो को जारी करके लालच देने का दावा किया था। अब सवाल यह उठता है कि जेल में वीआईपी कैदियों को कितनी सुविधाएं मिलती है? क्या जेल से फोन करना नियमों का उल्लंघन नहीं है? देश का जाना माना न्यूज चैनल आज तक के डिबेट शो में एंकर रोहित सरदना ने यही सवाल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से पूछा। पूर्व डीजीपी ने बताया कि यह जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन है, यह नहीं होना चाहिए। शहाबुद्दीन इसी कारण से बिहार से तिहाड़ शिफ्ट किए गए। वह जेल की सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। शहाबुद्दीन ने भी यही गलतियां की थी। एक चौकी इंचार्ज भी इस बात को बता सकता है। मोबाइल का टेस्ट, वॉइस टेस्ट, एक एक चीज सामने आ सकती है अगर कोई करना चाहे तो। एंकर ने जब उनसे पूछा कि क्या जेल में वीआईपी कैदियों के साथ आम तौर पर ऐसा होता है, इस सवाल के जवाब में पूर्व डीजीपी ने कहा कि सैटेलाइट फोन तक इस्तेमाल होते हैं। बाहुबलियों के लिए कोई नियम नहीं है, नियम तो औरों के लिए है। जो वीआईपी आरोपी होते हैं, पहुंच वाले आरोपी होते हैं, उन्हें मोबाइल फोन से लेकर खान पान दावत सब कुछ होता है। इसके बाद सरदाना ने आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी से कहा कि तेजस्वी की सरकार बनती तो जेल से लालू जी ही चलाते हैं। वहीं इस तरह का ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार से लेकर झारखंड तक राजनीति गर्मा गई है। अब झारखंड जेल आईजी वीरेंद्र भूषण हरकत में आए हैं। उन्होंने इस मामले में जांच का आदेश दे दिया है। जेल आईजी ने रांची डीसी और एसएसपी के साथ रांची जेल अधीक्षक को भी निर्देश दिया है कि जो ऑडियो मीडिया में चल रहा है उसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा के मामले में लापरवाही ठीक नहीं है। सुरक्षा में तैनात जवानों को भी यह कहा गया है कि बिना अनुमति कोई भी लालू से मिल नहीं पाए। इधर जिस शख्स के नाम पर मोबाइल का सिम बताया जा रहा है उसका नाम इरफान अंसारी है। इरफान लालू का सेवक होने के साथ साथ पार्टी में महासचिव के पद पर भी है। ऑडियो वायरल होने के बाद वह फरार बताया जा रहा है। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने सहित लालू यादव के कई कार्यों को अंसारी ही किया करता था। बताते चले कि वायरल ऑडियो की कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि बिहारी न्यूज नहीं करता है। निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।